हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या और पीड़ित रहने वालों की संख्या काफी ज्यादा दिन प्रतिदिन फ्लैक्चुएट होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन ये संख्या काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और केवल हमारे इंडिया में इसके 80+ केसेस हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे खबर आ रही है कि कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया गया है। ऐसा कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस का इलाज सबसे पहले ढूंढ निकाला है, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा ही डर जाओगे तो चीजें यहाँ अनकंट्रोल हो जाएंगी, आपके हाथों से निकल जाएंगी, आपके हाथों में चीजें नहीं रहने वाली है। बिकॉज जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि दिन प्रतिदिन इसके केसेस हमारे इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही 2 दिन पहले आप सबको मैं बता दूं कि केवल 50 केसेस थे इंडिया में कोरोना वायरस के, लेकिन आज की डेट में, आज है 13 मार्च 2020, आज टोटल 80 केसेस हो चुके हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 3 दिन में 30 लोग बढ़ोतरी हुई है कोरोना वायरस की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जयपुर में कल 2 छोटे छोटे बच्चे पकड़े गए हैं जिनके कोरोना वायरस निकला था। यहाँ पे अपने टॉपिक की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ निकाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के ठीक 2 दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोरोना वायरस को एक प्रकार की महामारी घोषित कर दिया है। अब ये महामारी किसे कहते हैं? महामारी इस ऐसी प्रकार की बीमारी होती है जो हर एक व्यक्ति को धीरे धीरे करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और काफी ज्यादा तेजी से फैलती है, उसे महामारी का दर्जा दिया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी का दर्जा पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिया है। इंडिया में भी लागू है, चाइना में तो लागू था ही, और बाकी सभी देशों ने लागू कर लिया है। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस को यहाँ पे महामारी घोषित कर दिया गया है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको खुद ही से काम करने पड़ेंगे, कोई आपको यहाँ पे बचाने नहीं आएगा। बस आपको सिम्टम्स पता रहेंगे और आपको उनसे बचना रहेगा, जैसा कि आप सब लोगों को किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है, इसी तरह की सभी चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस देश का नाम जिस देश ने सबसे पहले कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो तैयार कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक लिंक अटैच कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आप सबको मैं बता दूं कि इसराइल मेड ओरल वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस ऑन ट्रैक बट टेस्टिंग विल टेक मंथ्स। यहाँ पे सबसे पहले खबर आ रही है कि इसराइल ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। ये खबर आ रही है हमारे timesofisrael.com से, जो इसराइल की ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, इसराइल का खुद का न्यूज़पेपर है। और इसराइल के जो आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, आपके जो पीएम हैं, जो वहां के हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि हमने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन अभी इसे लॉन्च करने में कुछ समय लग जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे पूरी खबर आ रही है कि इसराइल ने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन इसे प्रॉपर सभी देशों में भेजते समय कुछ समय लग सकता है। 1 महीने का समय इसराइल ने मांगा है। इसराइल ने कहा है कि 1 महीने का समय मुझे दीजिए और मैं सभी देशों में दवाई बना करके भेज दूंगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अभी इस दवाई की टेस्टिंग की जा रही है। और यहाँ पे एक प्रकार से टेस्टिंग नहीं की जाती है, सबसे पहले इस दवाई का जो टेस्ट होगा वो कुछ जानवरों पे किया जाएगा, देन उसके बाद मनुष्यों पे इसका टेस्ट किया जाएगा कि ये दवाई आपकी कारगर है या फिर नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से, इसराइल की सरकार की तरफ से 100% दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साइंटिस्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने एकदम सेपरेट दवाई बनाई होगी जो सभी को कारगर करेगी। और सरकार ने यह भी वादा किया है कि ये जो दवाई बनाई गई है, ये जो वैक्सीन तैयार किया गया है कोरोना वायरस को लेकर के, ये सभी लोगों को दिया जाएगा, सभी सरकारों को दिया जाएगा, सभी देशों को दिया जाएगा। ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जिसमें ये वैक्सीन पहुंचाई नहीं जाएगी। आप जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज देख पा रहे होंगे, सिर्फ न्यूज आ रही है हमारी timesofisrael.com से, आप ये पूरी न्यूज पढ़ सकते हो और पूरा स्क्रीनशॉट हमारा ये अटैच देख सकते हो। आपके स्क्रीनशॉट में बताया गया कि एन इफेक्टिव इसराइल डेवलप्ड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस इज ऑन ट्रैक टू बी रेडी फॉर टेस्टिंग विद इन अ फ्यू वीक्स। इसराइल ने
कुछ समय, कुछ हफ्तों का समय मांगा है। कुछ हफ्तों बाद ये दवाई पूरे मार्केट में वो लॉन्च कर देगा जो सभी लोगों को मिल सकेगी। जैसे ही वो लॉन्च कर देगा तो ये दवाई धीरे धीरे सभी देशों में भेज दी जाएगी। देन कोरोना वायरस का इलाज मिल गया है। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि इसराइल में इसका जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से ढूंढ लिया है। इसराइल के महान वैज्ञानिकों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। और यहाँ पे इसराइल की सरकार के और इसराइल के जो यहाँ पे प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद कहा है कि इसका इलाज एकदम प्रॉपर तरीके से ढूंढ लिया गया है। अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम जल्दी ही इस दवाई को मार्केट में लॉन्च करेंगे जिससे आने वाले समय में कोरोना वायरस हमारे पूरे वर्ल्ड से खत्म होता दिखेगा। सो फिलहाल इस पूरी न्यूज में इतना ही था, न्यूज आप सब लोगों को बताने के लिए कि कोरोना वायरस का इलाज यहाँ पे ढूंढ लिया गया है। लेकिन अभी उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए, मुश्किल से मुश्किल एक महीने का समय चाहिए मार्केट में लॉन्च करते करते, और इस पूरी दवाई को कुछ जानवरों पे, कुछ मनुष्यों पे टेस्ट करते करते उसमें एक महीने का समय लग जाएगा। देन ये सारी जो आपकी वैक्सीन्स हैं ये आप सबको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। आपके इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, सभी देशों में, सभी मुल्कों में ये जो वैक्सीन है ये भेज दी जाएगी। सो फिलहाल वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया सो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।